हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ा था। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही दूसरी पोएम फायर एंड आइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। साथ के साथ हाईली सिम्बोलिकल है, यानी कि इसमें सिंबल्स का यूज, प्रतीक का यूज किया गया है। सो चलिए सबसे पहले इसके हम रिसाइटेशन देखते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. So first stanza mein रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत एक दिन फायर की वजह से हो जाएगा, और ये वो लोग हैं जो मानते हैं बाइबल को, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि एक दिन दुनिया जो है आग की वजह से समाप्त हो जाएगी। कवि कहते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि एक दिन दुनिया का अंत आइस की वजह से हो जाएगा, और ये वो लोग हैं जो कि साइंस में बिलीव करते हैं, जो साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन न्यूक्लियर वार होगा और सारी धरती जो है जम जाएगी और समाप्त हो जाएगी। कवि कहते हैं कि आई हैव टेस्टेड मतलब एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने भौतिक इच्छाओं के बारे में अनुभव किया है, मैं उन लोगों का साथ देना चाहूंगा, उन लोगों का पक्ष लेना चाहूंगा जो कहते हैं कि दुनिया का अंत एक दिन फायर की वजह से हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्लियर कट कहा है कि मेरा भी मानना है कि दुनिया का अंत फायर की वजह से हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल सेकेंड स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं, देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि आग की वजह से दुनिया समाप्त नहीं होती है, यदि दो बार इस वर्ल्ड का अंत होता है, तो आई थिंक मैं जानता हूं इनफ ऑफ हेट, नफरत के बारे में मुझे काफी अनुभव है, ज्ञान है, टू से दैट वो ये कहना फॉर डिस्ट्रक्शन कि विनाश के लिए आइस भी ग्रेट है और काफी सफिशियंट रहेगी। सो इस पोइम में कवि का मतलब ये नहीं है कि दुनिया का अंत जो है आइस और फायर की वजह से हो जाएगा। यहां पर कवि ने फायर को डिजायर के रूप में प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है कि फायर का मतलब है डिजायर, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, लालसाएं, और आइस को हेट से रिप्रेजेंट किया है कि आइस क्या है, जैसे कि आइस में कोल्डनेस होती है, हेटर्ड भी कोल्डनेस का प्रतीक है। कवि कहता है कि दुनिया में हो सकता है कि इतनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाए कि वो एक दूसरे को मार काट दे, दुनिया समाप्त हो जाए, और दुनिया में लोगों में और दुनिया में एक दूसरे के प्रति इतनी ज्यादा नफरत बढ़ती जा रही है कि एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, आज हर देश अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए न्यूक्लियर वॉर का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, टेस्ट करता है परमाणु युद्ध के परमाणु को जो टेस्ट करता है, जिसकी वजह से कि कवि कल्पना करता है कि एक दिन इनकी वजह से दुनिया समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कि पोइट ने यहां पर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है अनुप्रास अलंकार, यानी कि जब एक ही लेटर की बार बार पुनरावृत्ति हो। सो यहां पर सम से स, से की साउंड बार बार आई है, फेवर फायर, यहां पर फो की साउंड बार बार आई है, सो इन दोनों में एलिट्रेशन का यूज किया गया है। सेकेंड लिटरेरी डिवाइस है इमेजरी का मतलब है कि कल्पना करना। पहले लाइन में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग मानते हैं कि सोचते हैं कि दुनिया का अंत आग की वजह से हो जाएगा, इमेजरी का यूज किया गया है। थर्ड है इसमें सबसे बात जो राइम स्कीम, और फोर्थ एक है पर्सोनिफिकेशन। पहले बात करते हैं कि पर्सोनिफिकेशन के बारे में। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब इनएनिमेट जो लाइफलेस
जिन जो निर्जीव चीजें होती हैं, जब उनको लिविंग बींग्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर पर्सनिफिकेशन होता है। यहाँ पर आइस और फायर को लिविंग बींग के तौर पर प्रयोग किया गया, उन्हें पावर दी गई है, सो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। और राइम स्कीम क्या है, मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में राइम स्कीम को कैसे हम मापते हैं देखते हैं बता दिया था। यहाँ पर राइम स्कीम क्या है, जैसे कि लास्ट का वर्ड है फायर, सो हमने यहाँ पर लिख दिया ए। आइस, आइस और फायर में कोई समानता नहीं है तो यहां पर हमने लिख दिया बी। सो ए बी। अब डिजायर, डिजायर और फायर मिलते हैं तो यहां पर ए। फायर, अब फायर और फायर सेम वर्ड्स हैं, ए। नेक्स्ट है ट्वाइस, आइस, बी। हेट एक नया वर्ड आया है जो अब तक किसी वर्ड के साथ राइम नहीं करता, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे सी। आइस, आइस को लिखेंगे हम यहाँ पर बी। और ग्रेट, ग्रेट और हेट सी, और सफाइस यानी कि बी। सो राइम स्कीम हमारी यहाँ पर हुई ए बी ए, ए बी सी, बी सी बी, ये हमारी राइम स्कीम हो गई। और सपोज करो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड समडे, व्हाट डू यू थिंक कि वर्ल्ड विल एंड समडे, कि आपके अनुसार संसार का अंत एक दिन कैसे होगा। सो आप अपने विवेक के अनुसार अलग अलग इसका आंसर दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में तेजी से बढ़ रही है, अर्थ इतनी हॉट हो जाएगी कि दुनिया का अंत हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रही है आइस जो है, कि बर्फ दुनिया जम जाएगी और संसार का अंत हो जाएगा। एक और पॉइंट आप रख सकते हैं कि पहले से ही इतनी ज्यादा धरती हॉट है, कि सूर्य इतना गर्म है, टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ, कि इससे ज्यादा हॉट क्या होगा, और आइस को मेल्ट होने में मिलियंस यानी कि लाखों साल लग जाएंगे। सो आप अपना कोई भी तर्क दे सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।